यहाँ पर देखिए दिए गए चित्र में तो चित्र कुछ इस प्रकार से है। ये देखिए, ये थोड़ा ऐसे कर दिया मैंने। और ये ले लीजिए, अब इसमें क्या क्या दिया है देख लीजिए। ये बी है, ये डी है, ये ए है और ये सी है। यहाँ पर ये बना हुआ है, इसका मतलब ये कितना है, 90 अंश है। इस चीज़ को ख्याल कीजिएगा ना आप, ये इसका मतलब 90 अंश है। ये दोनों डबल मार्किंग है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों क्या है, समान है, पुस्तक में दिया भी है। और ये दोनों क्या है, लंब है। तो ध्यान से देखिए, त्रिभुज ए बी डी ये वाली और त्रिभुज ए बी सी ये वाली, इसको हम त्रिभुज ले लेते हैं एक, इसको लेते हैं त्रिभुज दो। ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक भुजा दोनों में कॉमन है और दूसरी भुजा जो है दोनों का कर्ण क्या है, समान है। आधार दोनों का सेम है, मतलब कि बराबर ही होगा, या दूसरी भाषा में कहें ए बी बराबर ए बी और दूसरा बी डी बराबर ए सी, बी डी बराबर ए सी। साथ में इनका एक एक जो कोण है, अर्थात कोण ए बराबर कोण बी, जो कि क्या है, 90 अंश है। तो दोस्तों ये जो है ना, ये RHS एक रूल होता है जो समकोण त्रिभुज पर लागू होता है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, ये होता है। तो इस नियम के तहत ये क्या होगा, सर्वांग सम होगा दोनों त्रिभुज, अर्थात हमारा जो सही आंसर क्या होगा, बी, ए बी डी, रुको, ए बी सी और ए बी डी। तो बिल्कुल कौन सा कथन सही है, देखो तो ए बी सी और बी ए डी। अब यहाँ पर देखिए, जल्दीबाजी में आंसर इसको लगाया गया है, लेकिन ये जो आंसर है ना, इस त्रिभुज को आप ऐसे करके इधर आप पलटोगे। मान लीजिए ये त्रिभुज है, इसको एक त्रिभुज यहाँ पर रखा हुआ है। हाँ चलिए इसको अच्छे से डील करते हैं, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। इस प्रकार से ये त्रिभुज आपका बना हुआ है, देखिए ए सी बी, और इस त्रिभुज को ऐसे करके हम रख लेते हैं। ये देखिए इस टाइप से ये त्रिभुज बन रहा है ए बी डी। अब प्रश्न है, ये त्रिभुज के आप इसके ऊपर जो है रखोगे तो वो कैसे रखेंगे, हम बता देते हैं आपको। ये ले लीजिए, एक्चुअल में ये त्रिभुज इस प्रकार से, इस पर इस प्रकार से होगा, अर्थात ए बी सी। ये कौन सा त्रिभुज है, ये ए बी डी है, और ये कितना है, इधर से देख लेते हैं, ए बी सी। तो कौन सा त्रिभुज हुआ, ए बी सी, देख लीजिए इस प्रकार से, मैं इधर लिख भी देता हूँ। ये क्या है, ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है, अर्थात ये इस प्रकार से बनेगा ऐसे करके। अब ये दोनों सर्वांग सम होंगे तो त्रिभुज क्या होगा, देख लीजिए यहाँ से शुरू करते हैं, त्रिभुज ए बी सी, देखिए यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या होगा, बी ए डी, बी ए डी। तो ये दोनों क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। और यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आपका, ए होगा, न कि बी, जो कि इसने गलत डाल दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन को डील करने में थोड़ा सा आप सावधानी रखिए।